हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा है गुडविल वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कराने जा रहा हूं मैं अब आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 ऑन दैट डेट। The firm had a reserve of ₹10,000 while partners' capital accounts showed a balance of 60,000. If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit. Goodwill already given है हमें, तो find क्या करना है? Average profit per year of the existing firm. बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझना कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों जब हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड करते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। दूसरे नंबर पर क्या फाइंड करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरे नंबर पर क्या फाइंड करते हैं, सुपर प्रॉफिट। चौथे नंबर पर क्या फाइंड करते हैं, गुडविल। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, हमें बैक कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल स्टेप्स करेंगे कि गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है। गुडविल होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें क्या गिवन है, इसमें जो हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है वो है 4 और साथ में गुडविल कितनी आई है 24,000। ठीक है बच्चों, और ये सुपर प्रॉफिट अब हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 24,000 डिवाइडेड बाय 4 6,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट वाला थर्ड स्टेप बैक कैलकुलेट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो 6,000 आ गया, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो उसके लिए नीचे मैं वर्किंग नोट में आ जाऊंगा, इसमें मुझे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के वो कैलकुलेट करनी है कैपिटल। देखो एसेट्स वो हमें बता रहा है टोटल 75,000 की, एसेट्स का साइड है ना ये बच्चों, एसेट्स 75,000 की बता रहा है और लाइबिलिटीज में वो क्या बता रहा है, इंक्लूडिंग ऑफ कैश है 75,000। तो ये टोटल 75,000 ही बनेगा और हमारे पास क्रेडिटर्स वो कितने कह रहा है, 5,000 के, और कैपिटल कितने की कह रहा है वो, 60,000 की। रिजर्व्स कितने के कह रहा है वो, 10,000 के। ठीक है, ये क्रेडिटर्स आ गए। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका कितना आया, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आ जाएगा 70,000 का, क्योंकि टोटल तो इधर भी 75,000 ही रहना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 70,000। अब इस केस में हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है 70,000 इंटू रेट कितना है बच्चों, हमारे पास रेट जो गिवन है वो 18th क्वेश्चन में 20% है। तो इसका 20% कैलकुलेट कर लो, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगेन यहां 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, माइनस आ गया ये 14,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अब क्या करेंगे हम, इधर आके इसको ऐड कर दोगे सिंपल, तो क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट 20,000। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो यही आंसर आ रहा है हमारा। हाँ, एक एक करके सारे मिलाते हैं। पहले देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 70,000 आ गया, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। दूसरे में नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 14,000 आया, ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट 14,000। तीसरा सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 आया था, ये रहा 6,000। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 20,000, वो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। ठीक है बच्चों, तो इतना सिंपल और मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, बस कूल माइंड से आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और इस पर बैक कैलकुलेट करते जाना है। जो जो चीज़ मिसिंग होगी वो आप अपनी वो आइटम को ढूंढ लेना। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं 19 का और एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट
फ्यू ईयर्स 2 लाख है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बचो 10% है और गुडविल कितनी गिवन है 2.5 लाख 4 ईयर परचेज की ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। तो मजेदार चीज आ गई। अब ये एवरेज प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, अब हमें क्या फाइंड करना है ये देखो उसी फॉर्मूले को, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है सुपर प्रॉफिट, और ये वाला फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इससे हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या निकालना पड़ेगा 19th क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है जी, तो अब फिर वही गुडविल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हम आगे बात करते हैं गुडविल कितनी गिवन है हमारे पास यहाँ पे 19th क्वेश्चन में 2,50,000। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 19th क्वेश्चन में कितने 4 ईयर परचेज है और ये आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब यह यदि हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 करके सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे आ गया 62,500। ठीक है जी, अब हम आगे क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे आएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, अब सुपर प्रॉफिट कितना 62,500 और एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बेटा, वो गिवन है हमें 2 लाख का। कितना गिवन है 2 लाख का, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। इससे हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, ये 62,500 में हम 2 लाख माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगेगा, 2 लाख माइनस कर देंगे। ये इधर चला जाएगा ना बच्चे, ये बच्चे इधर आ गया। ठीक है, ये इधर माइनस का साइन इधर आ जाएगा ना। ठीक है, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट ये तो इक्वेशन के हिसाब से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 लाख माइनस 62,500। ठीक है बच्चों, मैंने पहले क्या किया नॉर्मल प्रॉफिट इधर ही रहने दिया और ये 2 लाख इधर माइनस कर दिया। या दूसरा तरीका है कि नॉर्मल प्रॉफिट माइनस के साइन के साथ है, इसको आप इधर पॉजिटिव कर लो और ये 62,500 को इधर आके इधर माइनस दिखा दो। तो अब आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 लाख में से 62,500 माइनस करके ये आ जाएगा 1,37,500। लेकिन अभी हमारा काम यहीं खत्म नहीं होगा, हमें क्या फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें एक्चुअल में फाइंड करने को क्या बोला था उसने कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट बाय 100। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है 1,37,500। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू कैपिटल फाइंड करनी है और रेट कितना है हमारा 10% है 19th क्वेश्चन में 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब कैपिटल कैसे आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 1,37,500 इंटू 100 बाय 10 कर देंगे रेसिप्रोकल और ये हमारी कैपिटल की फिगर आ जाएगी 13,75,000। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों 13,75,000। ठीक है, बस 13,75,000। तो इस तरीके से आपको ये गुडविल का पहले फॉर्मूला लगा लेना, फिर सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आपको कैपिटल फाइंड करनी है। तो ये कैपिटल आप हमारी आ जाएगी 13,75,000। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने दो ही करवाई इस वीडियो में, ताकि पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।